क्लास नाइन फाइनली आपका टर्म टू का सिलेबस साइंस का स्टार्ट होने जा रहा है एंड आम बैक टू योर ओन चैनल एजुकेशनल आइ विद वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जी हां माय नेम इज प्रेम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के साइंस का चैप्टर नंबर थ्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ना तो हम इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि फील करेंगे एनिमेटेड वीडियो से प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड ऑफ कोर्स हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो इस वीडियो में हमने यूज किया है एंड हमेशा की तरह यू विल लव इट अच्छा बाई द वे एक बात बताओ ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर आज आप पढ़ने वाले हो इसका मतलब तुम्हें पता है नहीं पता होगा ना मुझे भी नहीं पता था बचपन में ना जब कभी भी मैं ईट देखता था ईट तो पकड़ जो फेंकते ना तो वैसे मैं ईट देखता था, था ना तो मुझे लगता था यार ये बना किस चीज से है ये किस चीज से बना है तो मैं भाई हथौड़ी लेता था टक तोड़ता था तोड़ता था तोड़ता था तोड़ता था, था इतना तोड़ देता था जब तक ये ईट चूर चूर ना हो जाए हाँ जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके बाद हम उसको अलग ना कर सके जिसके बाद हम उस पार्टिकल को तोड़ ना सके वो पार्टिकल

एक इंडियन थिंकर और फिलोसफर महर्षि कनद ये बात है लगभग दिख रही है न, हम यानि में कहते हैं ना उन्हें एक चीज और बताई कि अगर हम मैटर को तोड़ते हैं, तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं उसको छोटा करते जाते छोटा करते जाते हैं एक ऐसा समय आएगा कि मैटर अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुंच जाएगा और इस यूनिट को हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे और इसी यूनिट को जो इनडिविजिबल होता है जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे इसको महर्षि कनद ने एक नाम दिया परमाणु क्या नाम दिया परमाणु एक बार इंडियन फिलोसफर्स थे कत्यामा उनका नाम था महर्षि कत्यामा उन्होंने ना महर्षि कनद के बाद से बिल्कुल एग्री किया कहा कि हां जितनी भी पदार्थ है जितनी भी मैटर है वो सभी परमाणु से मिलकर बनी है और उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु कभी भी अकेला नहीं होता है वो ग्रुप्स में पाया जाता है और यही ग्रुप ऑफ एटम्स ना मिलकर एक मैटर बनाते हैं हमारे अगल बगल टेबल चेयर वॉल कैमरा जो कुछ भी दिख रहा है ये सब ग्रुप ऑफ एटम्स से मिलकर बने तो महर्षि कनद और महर्षि कत्यापा ने काफी कुछ बता दिया था तभी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस एंड लिसिपस दो साइंटिस्ट थे इन्होंने यही बात इंग्लिश में कह दी इन्होंने कहा कि भाई हमारी अगल-बगल की जितनी भी चीजें होती हैं वो मैटर से मिलकर बनी हैं और अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं डिवाइड करते जाते हैं डिवाइड करते जाते हैं तो एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम तो सबसे पहले एटम नाम किसने दिया था डेमोक्रिटस ने ठीक है परमाणु नाम किसने दिया था महर्षि कनद ने परमाणु का इंग्लिश मीनिंग होता है एटम समझ गया ना एंटोनी एल लेवोसियर नाम याद रखना एंटोनी एल लेवोसियर सबसे पहले इन्होंने केमिस्ट्री का फाउंडेशन रखा और दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर उन्होंने बताया कि भाई कोई भी चीज केमिकली रिएक्ट करती है तो किस तरीके से इस पर उन्होंने दो लॉ दिए इन्हीं दोनों लॉ से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सो रेडी हो मेरे जान चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना और घंटे को पकड़कर हिला देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे चलो शुरू करते हैं लेस कैस स्टार्टेड हेलो एवरीवन वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन इस पूरे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का स्टार्टिंग होता है हमारे फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी एल लेवोसियर नाम याद रखना लेवोसियर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें केमिकल कंबिनेशन से रिलेटेड लॉज यानी नियम बताए थे लेवोसियर ने हमें किस चीज का नियम बताया था लेवोसियर ने हमें केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड दो लॉस दिए थे केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए अगर कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिला दिया जाए तो वो क्या करता है वो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ तीसरी चीज बना देते हैं बस इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं ठीक है और इसी केमिकल रिएक्शन को लेकर ने दो नियम बताए हैं पहला नियम क्या है पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या है इस नियम को हम मोटा मोटा समझ लेते हैं इनका यह कहना है कि भाई अगर कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके मान लो कोई तीसरा एलिमेंट बना देता है तो इनका कहना यह था कि भाई मास कंजर्वड होगा हमेशा यानी रिएक्ट करने के पहले इन एलिमेंट्स का मिलाकर जो वजन है वो हमेशा बराबर होगा इस तीसरे प्रोडक्ट वाले एलिमेंट से समझ में आया समझ में आया कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई रिएक्शन के पहले का mass, यानी, uh, के पहले जितना वजन है उतना ही केमिकल रिएक्शन के बाद वजन होगा ठीक है इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या आपको क्या लगता है अगर किसी दो चीज में रिएक्शन करवाया जाए तो इन दोनों चीजों का जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट सी क्या इसका वजन इससे कुछ कम या ज्यादा हो सकता है चलो हम चेक करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं इस फायर का आप लकड़ी को लो बहुत सारी लकड़ी ठंडियों का मौसम चल रहा है तो आप लकड़ी को ले सकते हो लकड़ी को लो और इसको वजन कर सकते हो आप इसको वे करो क्या करो आप इसको थोड़ा सा वजन कर लो और देखो कि ये लकड़ी कितना है ठीक है लकड़ी को जब जलाओगे तो आपको पता है राख बन जाता है और इतना भी पता होगा कि भाई लकड़ी का वजन कभी भी इस राख के वजन के बराबर नहीं होता है ये राख हल्की होती है लकड़ी भारी होता है तो क्या यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करेगा इसका मतलब ये लॉ तो फेल हो गया बिल्कुल फेल नहीं हुआ मेरे भाई जब कभी भी आग जलती है जब कभी भी फायर जलती है ना तो केवल ऐसे ही नहीं मिलते केवल राख ही नहीं मिलता बल्कि फायर में हमारा CO2 भी निकलता है फायर में हमारा वाटर वेपर भी निकलता है ठीक है वाटर वेपर और फायर में हमारा क्या निकलता है एनर्जी भी निकलती है जो कि लाइट फॉर्म में होती, ठीक है? मतलब वुड इज़ ऑलवेज इक्वल टू एसेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड एनर्जी मतलब वुड का जितना वजन है वो बराबर होगा अगर हम राख को आ, मेजर करें राख के वजन को नापें कार्बन डाइऑक्साइड जितना निकल गया है आग जलते टाइम उसको भी पकड़ के अगर हम नापें वाटर वेपर जो भाप निकला है उसको भी अगर हम पकड़ लें एनर्जी को भी हम अगर पकड़ लें इन चारों को अगर मिला दोगे ना तो हमेशा लकड़ी के बराबर वजन ठीक है हमारा इसमें हमने क्या देखा हमने ये देखा कि भाई ये जो लकड़ी थी ना इसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया इसमें कुछ तो गैसेस बन बन गए गए और और वाटर वेपर ठीक है कुछ सॉलिड फॉर्म में एसेस छोड़ गया मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि भाई मास कभी भी गायब नहीं होता बल्कि वो फॉर्म चेंज कर समझ तो में आया चलो इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी एक तो एक्टिविटी नंबर 3.1 और इस एक्टिविटी में हम चेक करेंगे कि भाई अगर दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड को एक दूसरे से रिएक्ट करवाते हो तो जो इसका प्रोडक्ट होगा इसका जो वजन होगा इसका जो मास होगा ये हमेशा ए और बी के मास के बराबर होगा मतलब केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का वजन घटता नहीं है बराबर रहता है वजन ठीक है मतलब रिएक्शन के पहले जितना वजन रिएक्शन के बाद भी उतना ही वजन होता है। इस चीज को हम चेक करेंगे एक बहुत ही धमाकेदार एक्टिविटी से एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है दो सेट्स हैं पर X और y. X में भी आपको कुछ केमिकल कंपाउंड दिए गए हैं कॉपर सल्फेट बेरियम क्लोराइड लीड नाइट्रेट Y में भी आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं कंपाउंड्स और एलिमेंट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स किससे कहते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन हो गया आयरन एफ कॉपर सी यू ठीक है ये सब क्या है ये सर एलिमेंट्स है अब अगर यही दो एलिमेंट्स एक साथ मिल जाए तो वो कंपाउंड बना लेते हैं जैसे एच टू ओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया क्या बना लिया एच टू ओ बना लिया अमोनिया एन एस थ्री यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल गया है क्या बना लिया अमोनिया बना लिया तो इसको कंपाउंड कहते हैं कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट जो मिलकर बना हो उसे कंपाउंड जो सिंगल अकेला एलिमेंट हो उसको कहते हैं एलिमेंट ठीक है चलो आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको एक कंपाउंड यहां से लेना है एक कंपाउंड यहां से लेना है तो चलो हमने ले लिया कॉपर सल्फेट थोड़ा सा और थोड़ा सा हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट ले लिया भैया एक एक कटोरी ले लो उसमें आप कॉपर सल्फेट ले लो और एक में सोडियम uh, कार्बोनेट ले लो उसके बाद क्या करना है प्रिपेयर सेपरेटली फाइव परसेंट सोलूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस सबस्टेंसेस अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर अब आपको क्या करना है 5 बनाना है हमने क्या लिया था हमने कॉपर सल्फेट लिया था ना तो इसमें से पांच ग्राम कॉपर सल्फेट निकाल लो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था इसमें से पांच ग्राम सोडियम कार्बोनेट निकाल लो अब करना क्या है आपको करना यह है एक बीकर लो बीकर में लगभग हंड्रेड एम वाटर में फाइव ग्राम कॉपर सल्फेट

A आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा जो हमने सोडियम कार्बोनेट सोलूशन यहां बनाया है पूरा इसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेकर इस कोनिकल फ्लास्क में आपको डाल देना है और जो हमने कॉपर सल्फेट सल्यूशन बनाया था ये देखो हमने कॉपर सल्फेट सल्यूशन बनाया था ना पानी में कॉपर सल्फेट डाल के तो इसमें से भी थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में ले लो ठीक है 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 अब अब तक तक हमने कुछ किया नहीं है। बहुत सिंपल की एक्टिविटी करना क्या है? बस कॉपर सल्फेट लेना है उसको पानी में मिला देना है सोडियम कार्बोनेट लेना है उसको पानी में मिला देना है सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट केमिकल्स हैं इनको जब तुम पानी में मिलाओगे तो ये सोल्यूशन बन जाएंगे ठीक है तो भैया हमने सोलूशन बना लिया एक को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और एक को हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया जैसे यहां पर बताया गया है ठीक है अब उसके आगे क्या करना है अब उसके आगे हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क द्लास्क के सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्सड अब आपको क्या करना है आपको टेस्ट ट्यूब को बांध देना है कोनिकल फ्लास्क के अंदर जैसे देखो यहाँ पर मैंने बांधा है ना बिल्कुल ऐसे ही आपको टेस्ट ट्यूब को बांध देना है ठीक है हमने बांध दिया फिर क्या करना है पुटक कार्क ऑन द फ्लास्क आपको कार्क और जानते हो ना ये जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर लगा देना है ताकि जब केमिकल रिएक्शन हो तो गैसेस क्या हो बाहर ना हो ठीक है वरना आपका ये केमिकल रिएक्शन खराब हो जाएगा चलो तो अब तक हमने क्या जाना अब तक हमने लिया भाई की टेस्ट ट्यूब में जो हमने कॉपर सल्फेट सल्यूशन लिया था और कोनिकल फ्लास्क में जो हमने सोडियम कार्बोनेट सोलूशन लिया था इसको एक दूसरे के अंदर हमें डाल देना है टेस्ट ट्यूब को बांध देना है कोनिकल फ्लास्क के अंदर ठीक है और उसके अंदर आपको कार्क लगा देना है ताकि गैसेज अगर निकले तो ये बाहर ना जाए ठीक है समझ में आ गया आप क्या करना है वे द फ्लास्क अब ये जो हमने आ, फाइनली ये जो पूरा बनाया है जिसमें आपका सोडियम कार्बोनेट भी है ठीक है कॉपर सल्फेट भी है इन दोनों को आपको वजन कर वजन करोगे तो भाई कुछ ग्राम का ये आपका पूरा सोल्यूशन मिलेगा नोट डाउन करो कितने ग्राम का है मान लो हमने मान लिया कि ये जो पूरा कंटेंट है इसके अंदर ये ट्वेंटी ग्राम का है ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको इस टेस्ट ट्यूब को खोलकर इसके अंदर जो भी सोलूशन है इसको इसमें मिला देना है मिला दिया फिर से वापस इसके अंदर डाल दो अब फिर से तुम्हें मेजर करना है और तुम देखोगे कि भाई रिएक्शन के पहले यहां पर हमने क्या कराया हमने एक दूसरे को मिलाकर रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन के पहले हमने जितना वजन इसका नापा था मान लो 20 ग्राम हमने नापा था

ठीक है डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन है आपको लगता है कि भाई इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ होगा बिल्कुल हुआ होगा क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होता ना तो ये वाटर वेपर्स इवॉल्व नहीं होते ठीक है तो दो केमिकल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा वाइट शुड वी अ कॉर्क ऑन द माउथ अब आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने रिएक्शन करवाया चलो ठीक है लेकिन आपने ये लकड़ी का टुकड़ा इस कोनिकल फ्लास्क के मुंह पर क्यों बांधा है इसलिए ताकि ये गैसेस निकल गए अगर तो ये जो वजन है ना ये उतना नहीं रह जाएगा जितना केमिकल रिएक्शन के पहले था ठीक है समझ में आया? हाँ, बिल्कुल समझ में में आया बिल्कुल गया चलो ये भी हमने देख लिया चौथा था जब केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ था तो इनका कितना वजन था ट्वेंटी ग्राम था इनको मिक्स कर दिया केमिकल रिएक्शन हो गया फिर भी ट्वेंटी ग्राम ही है क्या मास चेंज हुआ है क्या नो no, चेंज नहीं हुआ है और, और यहीं से मिलता है हमें लेवोसियर का फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बोनेशन लेवर ने क्या कहा लेवोसियर ने कहा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी जो मेरा पहला लॉ है वो ये बताता है कि अगर किसी दो चीजों में केमिकल रिएक्शन होता है तो उन उनका जो वजन है ना वो ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा मतलब ना तो वजन को क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कहने का मतलब ये है कि भाई केमिकल रिएक्शन के पहले इन दोनों का जितना मास होगा वो केमिकल रिएक्शन के बाद ना तो डिस्ट्रॉय होगा मतलब ना तो घटेगा और ना तो क्रिएट होगा मतलब ना तो बढ़ेगा उतना ही वजन रहेगा जितना रिएक्शन पहले था समझ में आया तो भाई इस डेफिनेशन को जरूर याद कर लेना कि मास ना तो घटाया जा सकता है ना तो बढ़ाया जा सकता है मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन दिस इज द फर्स्ट लॉ गिवन बाय एंटोनी एल लेवोसियर ठीक है थीके? इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारा कैंडल ठीक है बर्निंग ऑफ कैंडल आप जब कभी भी मान लो एक कैंडल है आपका एक कैंडल है ठीक है और ये कैंडल जल नहीं रहा है जल नहीं रहा बुझा हुआ है अब इस कैंडल को जब तुम वजन करोगे ना तो इसका जो मास होगा वजन होगा ना वो हमेशा बराबर होगा कैंडल जलने के बाद जितना वैक्स निकालता है ठीक है जितना कार्बन डाइऑक्साइड जलने से निकलता है जितना वाटर व्यापर निकला ठीक है इन तीनों को मिलाकर इन तीनों का जो वजन होगा जितना वैक्स बच जाता है मोमबत्ती जलने के बाद कुछ उसका जो मोम है वो नीचे बैठ जाता है ना तो उसको तुम उठा लो जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है जलने से भाई कोई भी चीज जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है आपको पता होना चाहिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है और जितना वाटर वेपर भाफ बनकर ये कैंडल उड़ा है ना इन तीनों को अगर मिला दोगे तो हमेशा कैंडल जलने से पहले जितने वजन का था उतने ही वजन का हो जाएगा मतलब क्या है मतलब एंटोनी एल एं लेवोसियर का कहना बिल्कुल सही था कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बस मास अपने फॉर्म्स चेंज कर लेते हैं यहां पर जो मोमबत्ती जलने से पहले था इस मोमबत्ती ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया और ये वैक्स बन गया और कुछ मोमबत्ती सियोटू बनकर उड़ गई कुछ वाटर वेपर बनकर उड़ गई मतलब इसने क्या किया सॉलिड फॉर्म में था बस अपना फॉर्म चेंज कर लिया अगर इन तीनों को मिलाकर इनका वजन करें ना और इस मोमबत्ती का वजन करें तो दोनों इक्वल आएगा तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ एंटोनी एल मूविंग टू द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और इस लॉ को ना केवल लेवोसीर ने नहीं दिया बल्कि लेवोसीर के साथ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर इस सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल केमिकल्बिनेशन को इन्होंने किया लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोशन अच्छा इस लॉ को जानने से पहले कॉन्स्टेंट प्रपोशन का मतलब क्या होता है ये पता है तुम्हें कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स और प्रपोशन का मतलब होता है अमाउंट मतलब अगर कोई चीज फिक्स अमाउंट में पाई जाए तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन ठीक है चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं बट 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 इस पूरे लॉ को समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा तुमने नींबू पानी तो बनाया ही होगा अपने घर में लेमोनेड जिसे हम कहते हैं बिल्कुल बनाया होगा भाई देखो अब तुमने जब लेमोनेड बनाया नींबू पानी बनाया तो नींबू पानी बनाने में तुमने क्या क्या डाला पानी डाला होगा वाटर सुगर डाला होगा यानी चीनी भी डाली होगी ठीक है और लेमन यानी नींबू का रस भी डाला होगा तब जाकर तुम्हारा लेमोनेट तैयार है मान लो तुमने नींबू का रस बना दिया और ये बहुत ज्यादा टेस्टी है तुम्हारी मम्मी कहती है वाह बेटा वाह तुमने क्या नींबू का रस बनाया है फिर से एक बार बनाओ तो भैया तुमने जैसा नींबू का रस बनाया था वैसा बनाने के लिए तुम्हें उतना ही पानी लेना पड़ेगा जितना तुमने पहली बार लिया था उतना ही सुगर लेना पड़ेगा जितना तुमने पहली बार लिया था और उतना ही लेमन लेना पड़ेगा जितना तुमने पहली बार लिया था तभी पहले जैसा नींबू का रस बन पाएगा है ना हमने क्या किया यहां पर हमने सेम एलिमेंट लिया और सेम अमाउंट में लिया तब जाकर लेमोनेड हम बना पाए

एक एलिमेंट ओ हो गया भाई जो जो चीजें दो एलिमेंट से मिलकर बने उन्हें कंपाउंड कहते हैं यहां भी देखो दो है हाइड्रोजन पहला हो गया ऑक्सीजन दूसरा हो गया ये भी कंपाउंड है ये भी कंपाउंड है ऑक्सीजन पहला नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन पहला कार्बन दूसरा ठीक है तो दो अलग-अलग एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट जिस चीज में पाए जाए उसे कंपाउंड कहते हैं तो लेवोसीर ने देखा कि जितने कंपाउंड है उसमें या तो दो एलिमेंट है या दो से ज्यादा है और इन्होंने ये भी देखा कि हर कंपाउंड में सेम एलिमेंट पाया जा रहा है और वो भी सेम अमाउंट में मतलब ऑफ़ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट अब यहां से यहां तक एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से सुनना मान लो हमने ले लिया वाटर हमने वाटर तीन अलग अलग जगह से ले लिया मान लो हमने नदी का पानी ले लिया वाटर फ्रॉम रिवर हमने एक और पानी ले लिया वाटर फ्रॉम टैप टोटी से पानी ले लिया और एक और पानी हमने ले लिया और इस बार पानी हमारा चलो मान लो फिल्टर का पानी है ठीक है लेकिन तीनों अल्टीमेटली क्या है तीनों तो वाटर ही है अब जब वाटर है तो ये हमेशा एच टू O ही तो होगा ना वाटर का फॉर्मूला क्या होता है एच टू ओ मतलब क्या है मतलब ये है कि भाई जो हमारा कंपाउंड है मतलब जैसे वाटर ये किसी भी सोर्स से लिया जाए मतलब कहीं से भी लिया जाए या किसी भी जगह से इसको बनाया जाए अगर ये वाटर है चाहे कहीं का भी हो तो ये हमेशा एच टू होगा मतलब मतलब ये हमेशा सेम एलिमेंट कंटेन करेगा और सेम अमाउंट में सेम एलिमेंट मतलब हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही लेगा और हमेशा सेम अमाउंट में लेगा मतलब सेम

टू प्रपोशन ओ ठीक है लिख दिया हमने इसका भी देख लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना तो एन प्रपोशन ओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये है ना तो एन प्रपोशन ओ टू ठीक है ऐसे ये भी ले लेना अब इनका तुम्हें प्रपोशन निकालना है तो एटॉमिक मास इसके लिए जानना बहुत जरूरी है प्रपोशन का मतलब समझ रहे हो इसका कितना वजन है प्रपोशनेट इसका कितना वजन है बस अब वजन आपको एक लिस्ट दिख रही होगी साइड में आप देख सकते हो इसमें एलिमेंट्स के मास दिए हैं इनका एटॉमिक मास दिया है जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वन और टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो वन मल्टीप्लाइड बाई टू रेशियो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है सिक्सटीन मतलब टू रेशियो सिक्सटीन मतलब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे तो वन रेशियो एट में ऑक्सीजन और वाटर में क्या होगा ये जो पूरा वाटर है इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वन रेशियो एट के प्रोपोर्शन में होंगे ये ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर करें तो नाइट्रोजन हमारा इसका मॉलिकुलर मास होता है आप देख रहे हो फोर्टीन होता है और ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन ठीक है तो हमारा ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये हमेशा फोर्टीन रेशियो सिक्सटीन में प्रेजेंट होगा इधर नाइट्रोजन का फोर्टीन ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू टू सोलह दुना बत्तीस चौदह रेशियो बत्तीस में प्रेजेंट होगा ये वन रेशियो एट में प्रेजेंट होगा ये फोर्टीन रेशियो सिक्सटीन में प्रेजेंट होगा तो इसको कहते हैं सेम प्रपोर्शन मतलब वाटर है अगर ठीक है अगर एच टू ओ है तो उसमें हमेशा वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ठीक है शायद तुम्हें हल्का सा कम समझ में आया हो अब यहां पर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाने वाला है कि इन अ कंपाउंड सच वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज वन रेशियो एट वॉट एवर द सोर्स ऑफ वॉटर इज कह रहा है कि भाई पानी तुम चाहे कहीं से भी लो पानी तुम्हारा टोटी का हो पानी तुम्हारा नदी का हो कहीं का भी पानी हो अगर वो एच टू ओ है अगर वो एच टू ओ है तो वो हमेशा वन रेशियो एट में प्रेजेंट होगा मतलब मतलब अगर हमने ये जो नदी का पानी लिया है मान लो हमने नौ ग्राम नदी का पानी ले लिया कितना नाइन ग्राम ऑफ वाटर अगर हमने ले लिया तो इसमें ना हमेशा वन ग्राम हाइड्रोजन और एट ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब ये जाकर नाइन ग्राम ऑफ वाटर बनेगा समझ में आया बस यही कहना चाह रहा है यहां पर कि भाई जो वाटर हमारा कंपाउंड है इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा वन रेशियो एट होगा अगर वन रेशियो एट नहीं आ रहा है तो वो वाटर है ही नहीं समझ में आया वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर वो मैंने आपको बता दिया कि अगर नाइन ग्राम ऑफ वाटर लोगे तो हमने जैसे प्रपोर्शन निकाला ना मतलब क्या है मतलब वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रपोर्शन निकालना था 14 ratio, 16 निकाला था ना हमने मतलब अगर हम थर्टी ग्राम ऑफ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड लेंगे तो इसमें हमेशा ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और सिक्सटीन ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इज इट क्लियर इज इट क्लियर बस इसी को कहते हैं सेम एलिमेंट सेम प्रपोर्शन में ठीक है एक और देख लेते हैं अमोनिया अमोनिया का हमारा जो फॉर्मूला होता है एन एच थ्री होता है अब इसका प्रपोर्शन अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे एन प्रपोर्शन एच थ्री एन मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है ठीक है रेशियो मॉलिकुलर मास होता है वन वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री फोर्टीन रेशियो थ्री हमारा इस अमोनिया का प्रपोर्शन है मतलब मतलब अगर हम सेवेंटीन ग्राम ऑफ अमोनिया यानी NH3 लेते हैं तो उसमें हमेशा 14 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और 3 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा समझ में आया तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो ऑलमोस्ट हम समझ ही गए हैं कि भाई कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम एलिमेंट पाए जाएंगे और वो भी सेम अमाउंट में ठीक है मतलब अगर इसको हम डेफिनेशन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे ये जो डेफिनेशन है इसको प्राउस्ट ने दिया था प्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन दी थी इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था कि भाई कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जैसे वाटर ही है H2O उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा डिफाइनाइट प्रोपोर्शन यानी फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे वाटर वन रेशियो एट में प्रेजेंट है हमेशा वाटर वन रेशियो एट में ही प्रेजेंट होता है ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये हमेशा फोर्टीन रेशियो सिक्सटीन में प्रेजेंट होता है तो बस यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोशन कि भाई अगर कोई कंपाउंड है तो इनमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रपोशन यानी फिक्स्ड रेशियो में पाए जाएंगे बस इतना ही था हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोशन

हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में भाई आपका जो लाइव लीडर बोर्ड होता है वो जनरेट होता रहता है हर क्वेश्चन के बाद आपका लीडर बोर्ड जनरेट होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से नंबर पर हो अभी इसके अलावा पर्सनलाइज स्कोर रेटिंग से आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो ईवेल्युएट कर सकते हो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई आपके पास चांस है जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे वो मेरिट सर्टिफिकेट जीत सकते हैं और एक करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं बेसिकली अनकेडमी कॉमेट है क्या ये एक तरीके का फ्री लाइव टेस्ट है जहां पर क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर संडे अन अकेडमी के ऐप या वेबसाइट से आप इस टेस्ट को दे सकते हो वैसे इस टेस्ट में थर्टी क्वेश्चन होंगे पैंतालीस से साठ मिनट का आपका टाइम होगा हर संडे क्लास सिक्स टू एट वालों के बच्चों के लिए 12 बजे हर संडे 12 बजे दोपहर को क्लास नाइन्थ एंड टेंथ वालों के लिए बजे, 11 बजे एंड अलेवेंथ एंड ट्वेल्थ वालों के लिए 1 बजे ये लाइव टेस्ट कंडक्ट होगा। हो, तो अगले चार महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है ये पर्टिकुलर ऑफर क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ वालों के लिए है, तो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ लिमिटेड टाइम ऑफर है लिंक पर क्लिक करो और मेरे कोड पी -E का यूज करके इस परचेसिंग को कंप्लीट करो ये आपको ऑफर ऑटोमेटिकली मेरे कोड को यूज करते ही मिल जाएगा इसके अलावा आप अगर से किसी भी तरीके की परचेसिंग करते हो तो आपको पी कोड -E का यूज करना है टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा सो गो फॉर इट चैप्टर so, में यहां तक हम केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो दोनों नियम है जो दोनों लॉज हैं उनको हम पढ़ चुके हैं अब भाई इन दोनों लॉज को इन्होंने देना था तो दे दिया मतलब बोलना तो बहुत आसान है लेकिन प्रूफ कौन करेगा तो भाई जो अगला प्रॉब्लम था साइंटिस्ट के सामने वो ये था कि ये जो नियम थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन इन दोनों नियमों को एक्सप्लेन कौन करेगा अब वहीं पर एंट्री होती है एक तीसरे और अनजान साइंटिस्ट की जिसका नाम है जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया इन्होंने एक थ्योरी बनाई एक पूरा प्रॉपर थ्योरी लिख कर इन्होंने बताया कि मैटर का नेचर क्या होता है मतलब पहली बार किसी ने एकदम प्रूफ के साथ हमें मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि जो मैटर होता है अगर वो केमिकल रिएक्शन करता है तो कैसे करता है क्यों कर पाता है केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है ये सब कुछ जॉन डेल्टन ने अपनी थ्योरी में बता दिया था जॉन डेल्टन ने जो थ्योरी दी थी ना इस थ्योरी के पहले इन्होंने कुछ चीजें सपोज कर लिया था क्या सपोज किया था इन्होंने अब तक हमें पता है कि महर्षि कनद बहुत पहले लगभग 500 हंड्रेड में ही बता चुके थे कि भाई जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम मैटर कहते हैं और मैटर डिवाइड होता है मतलब अगर हम मैटर को तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए तो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहेंगे तो जॉन डेल्टन ने ये बात प्रूफ करी इस बात को मानकर इन्होंने जो अपनी थ्यूरी दी ना वो थ्यूरी मैटर को लेकर ही थी इन्होंने जॉन डेल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी वो केमिकल कंबिनेशन को समझाता है केमिकल कंबिनेशन के दो नियम थे क्या क्या कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या था लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोशन या हम कांस्टेंट प्रपोशन भी कह सकते हैं इन दोनों लॉस को एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी थी इसको हम क्या कहते हैं इसको हम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं ये देखो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोशन मतलब इन नियमों को भाई अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था लेकिन अभी तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था तो जॉन डेल्टन ने जो अपनी थ्योरी निकाली थी जिसको हम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं इस थ्योरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया था दोनों नियमों को क्या एक्सप्लेन किया था वो थ्योरी अभी हम आगे जानेंगे बट थोड़ा जॉन डेल्टन के बारे में जान लेते हैं कि भाई जो जॉन डेल्टन थे वो एक बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में कब जन्मे थे ये सिक्सटीन सेवनटीन हंड्रेड में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में इन्होंने अपना करियर टीचर के तौर पर स्टार्ट किया मतलब जॉन डेल्टन जब 12 साल के थे तो ये टीचर बन चुके थे और इसके साल बाद मतलब जॉन जब 19 साल के हुए तो वो उसी स्कूल में प्रिंसिपल बन गए ठीक है उसके बाद 1793 डेल्टन अः इंग्लैंड का एक बहुत अच्छा शहर है मैनचेस्टर यूनाइटेड वहां पर मूव कर जाते हैं वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं कॉलेज में और इसी कॉलेज में इन्होंने अपना ज्यादातर समय बिताया वहां पर इन्होंने पढ़ाया बच्चों को रिसर्च भी करी और 1808 में फाइनली इन्होंने अपना फाइनलीस एटॉमिक थ्योरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जिससे आज हम मैटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं अब जॉन डेल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था वो क्या था वो ये था यहां से लेकर यहां तक अब आपको इन पांचों थ्योरी छह थ्योरी है ना इन छह थ्योरी को याद करना पड़ेगा क्योंकि यह है डेल्टन का सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक थ्योरी ठीक है चलो डेल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है थ्योरी का मतलब समझ लो कुछ नियम अब तक हमने केमिस्ट्री में क्या क्या जाना है वो डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी से हमें पता चल जाता है ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे इसको अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स सबसे पहले तो डेल्टन ने यह बताया कि भाई जो मेरी पूरी थ्योरी है वो इस चीज पर बेस है किस चीज पर बेस है कि हमारे अगल बगल जितनी भी चीजें होती हैं चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो दो एलिमेंट से मिला हुआ कंपाउंड हो या वो मिक्सचर हो ये कोई भी चीज हमारे अगल बगल हो वो सबसे स्मॉल पार्टिकल यानी एटम से मिलकर ही बड़ा बना है एटम से ही मिलकर कोई चीज बनती है इस चीज को मानकर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी हमारे सामने आती है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ़ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम सबसे पहले तो डेल्टन ने कहा कि भाई जितने भी मैटर हमारे अगल बगल होते हैं वो सभी छोटे छोटे एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल यानी एटम से मिलकर बनते हैं दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं मैटर में अब इससे छोटा कुछ नहीं होता जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम यानी एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता है और एक चीज और अगर कोई भी एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स हैं ठीक है मान लो ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दिया जाता है ऑक्स सॉरी आयरन को रिएक्ट करवा दिया जाता है ऑक्सीजन से तो भाई रिएक्शन के बाद भी ना तो आयरन के एटम्स कम होंगे ना तो ऑक्सीजन के एटम्स कम होंगे और ना कम होंगे ना बड़े होंगे ठीक है मतलब क्या है मतलब वही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास वाला जो लॉ था वही कहता है कि भाई जो एटम होते हैं वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं मतलब नंबर ऑफ एटम्स हमेशा सेम रहेंगे उनका वजन हमेशा सेम रहेगा ठीक है थर्ड थ्यूरी उन्होंने दिया कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के इनका कहना ये था आ, कि भाई कोई भी एलिमेंट है फॉर एग्जांपल आयरन है तो इस आयरन में जितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे वो हमेशा फिक्स्ड होंगे और आयरन की जो प्रॉपर्टीज होगी आयरन की प्रॉपर्टी क्या-क्या होती है आयरन एक मेटल है जो कि हार्ड होता है शाइनी होता है तो ये सब आयरन की प्रॉपर्टी है तो उन्होंने अपनी तीसरी प्रॉपर्टी में कहा कि भाई जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का अलग अलग वजन है मतलब उन सभी में अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग अलग है बिल्कुल भाई आयरन और गोल्ड इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग अलग है भाई आयरन का जो वजन होता है कुछ और होता है गोल्ड का वजन कुछ और होता है इनकी प्रॉपर्टीज जो हमारा गोल्ड होता है वो चमकता है आयरन थोड़ा कम चमकता है तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वजन अलग अलग होगा उनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग अलग होगी फोर्थ थ्योरी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हमारा थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है कि हमारे पास जितने 118 एलिमेंट्स हैं इन 118 एलिमेंट्स का वजन बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल एक दूसरे से अलग है कोई चमकता है कोई नहीं चमकता मतलब एक दूसरे से सब अलग है 118 118 एलिमेंट इनका वजन और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल आइडेंटिकल होता है मतलब इनके जैसा पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं है फिफ्थ थ्योरी एटम्स कंबाइन इन द ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स ये भी मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी कंपाउंड में फॉर एग्जांपल H2O है ठीक है तो इसमें इस कंपाउंड में, इस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी प्रपोर्शन में पाए जाते हैं जैसे एस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वन रेशियो एट में पाया जाता है ये रेशियो बिल्कुल फिक्स होता है चेंज नहीं होता है ठीक है सिक्स थ्योरी सिक्स थ्योरी हमारा यही है ये जो यहां पर लिखा गया है ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो डेफिनेशन था वही हमारी छठवीं थ्योरी है जॉन डेल्टन ने ये भी कहा कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन अमाउंट मतलब कि भाई कोई कंपाउंड है कोई भी कंपाउंड है मान लो आ, हम हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं सीओ टू ठीक है इस सीओ टू में अगर हमें सीओ टू बनाना है तो हमें कार्बन और ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है कि तुम सीओ टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर बना दोगे नहीं बना पाओगे तुम्हें अगर सीओ टू बनाना है तो तुम्हें वही वही सेम काइंड ऑफ एलिमेंट और सेम अमाउंट में लेना पड़ेगा तभी वो कंपाउंड बन पाएगा जैसा हमने आपको पहले बताया था ठीक है कि अगर तुम्हें H2O बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा टू मोल्स हाइड्रोजन और uh, one mole of oxygen लेना पड़ेगा तभी जाकर हमारा ये हाइड्रोजन बनेगा तो वही हमारा सिक्स थ्योरी कहता है छठवां थ्योरी ये कहता है कि भाई किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और काइंड ऑफ एटम होते हैं वो दोनों सेम होते हैं समझ में आया मतलब मतलब भाई कि अगर हमें हाइड्रोजन बनाना है नाइट्रोजन बनाना है कुछ भी बनाना है तो उसका जो अमाउंट होता है उनके एलिमेंट्स का वो बिल्कुल सेम होता है ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप के लिए ये पहला क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं बिकॉज दिस इज टू इजी क्वेश्चन ठीक है और अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूं आप इसको आसानी से कर सको सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ वन एंड एट हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वन रेशियो एट में मिलते हैं तब जाकर वॉटर बनता है वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस ये कह रहे हैं कि भैया मान लो हमने वन ग्राम हाइड्रोजन लिया और एट ग्राम ऑक्सीजन लिया तो ये क्या बन गया ये बन गया वाटर ठीक है अब मान लो ये कह रहे हैं कि मान लो हमने थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया और हम कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले कि ये फिर से वाटर बन जाए ठीक है तो हमने वन में मल्टीप्लाई किया थ्री तभी तो थ्री ग्राम आया तो एट में भी थ्री मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी फोर ग्राम ठीक है मतलब अगर हमें सत्ताईस ग्राम ऑफ वाटर बनाना है तो उसमें चौबीस ग्राम ऑक्सीजन होगा और थ्री ग्राम क्या होगा हाइड्रोजन होगा इज इट क्लियर इज इट क्लियर तो हमारा जो सेकेंड वाला होगा इसमें कितना हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए लगभग ट्वेंटी ग्राम ऑक्सीजन गैस चाहिए तब जाकर ये परफेक्टली क्या होगा वाटर बनेगा ठीक है थर्ड क्वेश्चन ऑफ 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 थ्योरी इज द रिजल्ट लॉ कंजर्वेशन मास मतलब आ, ने जो अपना थ्योरी दिया था पांच छह दिए थे इसमें से कौन सा इनका जो थ्योरी है वो कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है ये देखो ये वाला थ्योरी इन्होंने कहा था ना कि एटम्स ना तो क्रिएट किए जा सकते ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते बिल्कुल यही थ्योरी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास वाला है और फिर अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि भाई विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टनस एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन जो सेकंड लॉ था वो कौन सी थ्योरी बताती है ये वाली ये थ्योरी कहती है ना कि भाई अगर हमें कोई कंपाउंड बनाना है तो हमें उसी हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स मतलब सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट लेना पड़ेगा तभी जाकर वो कंपाउंड बनेगा तो ये जो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था वही हमारा सिक्स थ्योरी है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द क्वेश्चन स्टिल एट नो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं टॉपिक नंबर थ्री पॉइंट टू और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई साहब व्हाट इज एन एटम एटम क्या है किसे कहते हैं एटम अच्छा अब तक हमने एटम के बारे में क्या जाना हमने अब तक जाना कि भाई किसी भी चीज का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके बाद उस पार्टिकल को और डिवाइड ना किया जा सके वो पार्टिकल एटम कहलाता है बिल्कुल अच्छा अभी तक तो हमने इतना जाना है एटम के बारे में और हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हैव यू एवर ऑब्जर्व द बिल्डिंग वॉल्स क्या तुमने कभी किसी मिस्त्री को देखा है क्या आपने देखा होगा कि मिस्त्री जब बिल्डिंग बनाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है वो बिल्डिंग की दीवारें बनाता है फिर रूम बनाता है चार दीवार को घेर कर वो रूम बनाता है ऐसे एक रूम दो रूम तीन रूम बहुत सारे रूम बनाता है फिर जब बहुत सारे रूम बन जाते हैं तो वो हो जाता है क्या बिल्डिंग बिल्कुल बिल्डिंग बन जाती है वट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस ह्यूज बिल्डिंग अब ये जो मिस्त्री ने पूरी बिल्डिंग बनाई है इस बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है मतलब ये जो पूरी बिल्डिंग तुम्हारा जो घर ही है वो भी एक बिल्डिंग ही है ये बिल्डिंग किस चीज से मिलकर बनी है ऑब्वियसली तुम कहोगे कि भैया ईटों से मिलकर बनी है हाँ बिल्कुल ईटों से मिलकर बनी है लेकिन ईट किससे मिलकर बना है आओ तुमको दिखाता हूं सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो है एटम ठीक है एटम से मिलकर बनता है मिट्टी यानी सॉइल से मिलकर बनता है ब्रिक यानी ठीक है और ईटों से बनता है दीवार यानी वॉल और रूम।, और रूम से मिलकर बनता है पूरा बिल्डिंग तो इस बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या है एटम ही है ना तो एटम से ही मिलकर बिल्डिंग बनी है बिल्कुल बनी है अच्छा वॉट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल तुमने कभी एंट हिल देखा है क्या एंट हिल मतलब चिटियां जहां भी रहती है ना वो एक मिट्टी का पूरा पहाड़ बना लेती है छोटा सा ही बनता है ऐसा नहीं पूरा पहाड़ माउंट एवरेस्ट बना दे ऐसा कुछ नहीं है आंट हिल आपने देखा होगा चीटियां अपने रहने के लिए पहाड़ जैसा घर बनाती हैं ये पहाड़ जैसा घर किस चीज से मिलकर बना है भाई चीटियां इतनी छोटी हैं कि वो जो सैंड होता है जो बालू होता है ना बालू का एक एक कतरा एक एक दाना उठाकर ले आती हैं तब जाकर धीरे 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 वो पहाड़ बनता है मतलब ये जो एंट हिल है वो किस चीज से बना है बालू के एक एक दाने से और बालू के एक एक दाने को हम क्या कहते, है? एटम कहते हैं क्योंकि भाई वो सबसे छोटा है अब इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है तो हमने देखा कि बिल्डिंग भी हमारा किससे मिलकर बना है एटम से एंट हिल ये भी हमारा एटम से मिलकर बना है बिल्कुल इसी तरीके से जितनी भी चीजें तुम अपने अगल बगल देखते हो अगर वो मैटर है तो वो एटम से मिलकर बना हुआ है समझ में आया बिल्कुल समझ में आ गया होगा चलो हमने एटम्स तो पढ़ लिया अब हमें ये पता करना है कि भाई इन एटम्स की साइज क्या होती है अब तक तो हमने सिर्फ इतना जाना कि एटम बहुत ज्यादा छोटे होते हैं कितने छोटे में होते हैं मेरे भाई कितने छोटे पता करेंगे हम एटम्स आर वेरी स्मॉल दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद यहां पर बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि भाई एटम्स इतने छोटे होते हैं कि ना तो हम इमेजिन कर सकते हैं ना तो किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं मतलब हमारे सोच से भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ये एटम्स और हम अपनी खुली आंखों से एटम्स को नहीं देख सकते हैं ठीक है एक आइडिया यहां पर इन्होंने दिया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एटम कितना बड़ा होता है मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स वेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बैरली एस थिक अपने नोटबुक का जो पेज है ना आपका नोटबुक का जो पेज है वो बहुत ज्यादा पतला है, है कि नहीं है भाई इस पतले से पेज को भी बनाने के लिए मिलियन ऑफ एटम्स चाहिए एक मिलियन में कितना होता है लगभग दस लाख होता है आप समझ रहे हो दस लाख एटम्स चाहिए तब जाकर तुम्हारे नोटबुक इतनी पतली सी पेज बना बना पाएगा एटम तो तुम मतलब इससे आइडिया लगा सकते हो कि भाई एटम कितना छोटा होगा बहुत ज्यादा छोटा होता है ठीक है मिलियंस ऑफ एटम्स मिलकर तब जाकर एक पेपर का जो पेज होता है ना पतला पतला सा उतना पतला लेयर बना पाएंगे मतलब बहुत छोटे होते हैं एटम ठीक है हम एटम्स को नैनोमीटर में मेजर करते हैं एटम को हम किस में मेजर करते हैं नैनोमीटर में मेजर करते हैं नैनोमीटर कितने कितने के बराबर होता है भाई आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है किलोमीटर होती है एक किलोमीटर में कितना होता है एक हजार मीटर होता है बिल्कुल वैसे ही एक मीटर में कितना नैनोमीटर होता है टेन टू पावर नाइन नैनो मीटर मतलब एक मीटर में कितने पता है तुमको एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ इतने नैनोमीटर होते हैं कितना अब अब गिन लो इसको क्या बोलते हैं मेरे को तो मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा पता नहीं लाख करोड़ पता नहीं कितने करोड़ है ठीक है तो एक मीटर में इतने करोड़ नैनो नैनोमीटर होते हैं अब आप सिंपली याद रखो वन मीटर इज इक्वल टू टेन टू द पावर नाइन नैनो मीटर और वन नैनो मीटर इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर ठीक है अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो माइनस में आ जाएगा इसको नैनो मीटर में करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ठीक है तो ये है हमारा नैनोमीटर का मेजर अब हम देखते हैं कि एटम कितने नैनोमीटर का होता है ठीक है अब हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर मतलब समझ रहे हो टेन टू द पावर टेन नैनोमीटर ठीक है टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर टेन टू द पावर टेन नैनोमीटर और अगर वाटर के मॉलिक्यूल या वाटर के एटम की बात करें तो टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर हैमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में खून पाया जाता है खून हेमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है खून के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है ना जिसकी वजह से हमारे खून लाल कलर के होते हैं अब ये जो हेमोग्लोबिन होता है ना ये भी कितना छोटा होता है टेन टू द पावर माइनस एट मतलब बहुत छोटा होता है ठीक है आप ऐसे समझ लो वन अपॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इतना छोटा वन अपॉन पता नहीं कितना ठीक है आप समझ लो बहुत छोटा होता है तो ऐसे ही ग्रेन ऑफ सैंड मतलब बालू का जो एक दाना होता है वो टेन टू द पावर माइनस फोर मीटर होता है आंट चीटियां टेन टू द पावर माइनस टू मीटर की होती हैं वाटर मेलन टेन टू द पावर माइनस वन मीटर का होता है तो ये जो साइजेस हैं ये कुछ कॉमन साइजेस हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का एटम कितना होता है तो आप बता सकते हो टेन टू द पावर नाइन माइनस टेन मीटर वाटर का एटम कितना बड़ा होता है टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर ठीक है तो ये सभी चीजें मीटर में है और अगर इनको तुम्हें नैनोमीटर में करना है तो बस माइनस का प्लस कर दो माइनस का प्लस कर दो ये नैनोमीटर में चेंज हो जाएंगे ठीक है समझ में आया बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं अब यहां तक हमने क्या देखा यहां तक हमने आ, एटम्स जाना एटम्स कितने बड़े होते हैं ये सब हमने जाना ठीक है अच्छा एक बात बताओ वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज वाई शुड वी केयर अबाउट देम एक बात बताओ तुम जरूर सोचते होगे कि ये एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं तो हम इन एटम्स के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं भाई जब ये इतने छोटे होते हैं कि हम देख ही नहीं पाएंगे कहे पढ़ रहे रहे हैं हैं इसके बारे में कहे पगला रहे हैं हम है कारण है कारण दिस इज इज बिकॉज वर्ल्ड मेड अप ऑफ एटम्स ये ऐसा है इसलिए हम पढ़ते हैं एटम्स को क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में एक एक चीज अगर वो नॉन लिविंग है तो वो एटम से मिलकर बनी हुई है वी मे नॉट बी एबल टू सी देम हो सकता है कि हम एटम्स को ना देख पाए लेकिन फिर भी एटम्स हैं ठीक है ये प्रूफ किया जा चुका है कि जितनी चीजें हैं सब एटम से मिलकर बनी हैं हम भले एटम को ना देख पाए लेकिन एटम होते जरूर हैं एंड कॉन्स्टेंटलीवर वी डू और हम कुछ भी करते हैं ना उसमें एटम्स का बहुत बड़ा रोल होता है जैसे खाना हमारे घर में खाना पक रहा है ना तो खाने की खुशबू हमारे तक कैसे आ जाती है भाई जो फूड का जो फूड का एटम है ना वो हवा में ट्रैवल करके हमारे नोस तक पहुंचता है जिसकी वजह से हमें इस खाने की क्या आती है स्मेल आती है खुशबू आती है समझ में आया तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत यूजेस हैं एटम्स के हमें एटम्स दिखते नहीं है लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ सर्फेस ऑफ एलिमेंट्स एटम्स अब हमारी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, दिरे दिरे हम हो रहे है। तो आज हमारी बढ़ती हुई ये हमें दिखा सकती है क्या है वो आज हम अपने बदलते हुए टेक्नोलॉजी से सीख सकते हैं ठीक है थीके? आपके नीचे इमेज दिख रहा होगा आप जानते हो कि जो सिलिकॉन होता है वो एक एलिमेंट होता है होता है कि नहीं होता जो सिलिकॉन का सरफेस है मतलब जो नीचे वाला सिलिकॉन का हिस्सा है वो कुछ ऐसे दिखता है ये कंप्यूटराइज पिक्चर है ठीक है आपके लिए यहां पर एनसीआरटी में दिया गया है अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे छोटे 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 एटम्स हैं ये देखो कितने सारे छोटे 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 एटम्स से मिलकर बना है ये पूरा सिली ठीक है तो भाई कोई भी चीज बनती है तो वो एटम से मिलकर बनती है बस इतना आज तक समझ लो ठीक है अब चलो एलिमेंट तो हमने पहचान लिया एलिमेंट एटम से मिलकर बनते हैं ये भी हमने पहचान लिया लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये भी आता है कि व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अब देखो एटम्स को पहचानने के लिए ना हम सिंबल्स का यूज करते हैं किस चीज का यूज करते हैं हम सिंबल्स का यूज करते हैं अब भाई कोई भी एटम है उसका पूरा नाम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उसका अगर सिंबल हम बना दें उसका कोई पहचान चिन्ह बना दें तो उसको पहचानना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान होगा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा तो सबसे पहले जॉन डेल्टन ने कुछ सिंबल्स बनाए थे ऐसे जो पुराने जमाने में एलिमेंट के सिंबल हुआ करते थे वो कुछ ऐसे हुआ करते थे ये देखो डेल्टन वाज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस of that element. That फॉर एन एलिमेंट ही ऑफ element. अब देखो जॉन डेल्टन ने ना पहले जब इन्होंने अपने सिंबल्स बनाए थे जब इन्होंने एलिमेंट्स ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है इन एलिमेंट्स को पहचानने के लिए जॉन डेल्टन ने क्या किया सिंबल्स देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने देखो ये जब सिंबल्स है ना ये देख रहे हो ये वाला सिंबल हाइड्रोजन का है ये देख रहे हो ये फॉस्फोरस है ये कॉपर का है ये गोल्ड का है ये कार्बन सल्फर आपको सिंबल याद रखना पड़ेगा जैसे ही आप देखो आपको तुरंत पता चल जाएगी अच्छा ये तो आयरन का है ये तो सिल्वर का है ये तो मरकरी का है तो ये पुराने जमाने में ये सिंबल्स यूज हुआ करते थे ठीक है जॉन डेल्टन ने जो सिंबल्स बनाए थे ना उन सिंबल से नंबर ऑफ एटम भी पता चलता था मतलब मतलब अगर दो ऐसे सिंबल्स बने हुए हैं तो क्या हुआ मतलब हाइड्रोजन दो है ठीक है अगर मान लो दो ऐसे एटम्स बने हुए हैं आई आई करके तो क्या है एफ ई मतलब आयरन का दो एटम है ठीक है तो अगर जॉन डेल्टन ने सिंबल्स जब बनाए थे ना इन सिंबल्स को अगर दो कर दो ना जैसे इन सिंबल्स के साथ एक सिंबल और ऐसा ही लगा दो ना तो मतलब दो हाइड्रोजन एक और सिंबल लगा दो मतलब तीन हाइड्रोजन एक और सिंबल लगा दो मतलब चार हाइड्रोजन ठीक है तो जो डेल्टन का सिंबल हुआ करता था वो नंबर ऑफ एटम्स भी बताने में मदद करता था फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है बर्जीलियस बर्जीलियस ने हमें यह सुझाव दिया कि भाई एलिमेंट का जो सिंबल होना चाहिए ना वो उस एलिमेंट के नाम का पहला अक्षर या दूसरे अक्षर से मिलकर बना होना चाहिए जो आज हम यूज करते हैं ठीक है तो जो आज हम सिंबल यूज करते हैं उसको किसने बताया था सबसे पहले बर्जीलियस ने सजेस्ट किया था कहा था कि भाई ये जो एलिमेंट होते हैं ना इनके पहले अक्षर से हम इनका सिंबल निकाल सकते हैं जैसे कार्बन का सी होता है ऑक्सीजन का o होता है आयरन आयरन का पहला दो अक्षर एफ ई होता है क्यों क्योंकि आयरन लैटिन में फेरम कहलाता है तो फेरम मतलब एफ ई पहला दो अक्षर है ठीक है तो ये हमें बर्जीलियस ने कहा कि भाई जितने भी एलिमेंट हैं अगर इसका तुम्हें सिंबल बनाना ही है ना तो इनके पहले लेटर या पहले दो लेटर से बनाओ हमें याद करने में आसानी होगी ठीक है अब देखो अब देखो धीरे धीरे कैसे सिंबल्स चेंज होते गए आज जो तुम सिंबल यूज कर रहे हो वो सिंबल कैसे पाए गए वो तुम पढ़ लो इन द बिगनिंग फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम अब जब शुरुआत में बर्जिलिय ने कहा कि बर्जिलियस ने कहा कि भाई जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हो, उनके सिंबल उनके नाम के पहले लेटर या दूसरे लेटर से बनने चाहिए तो जब हम एलिमेंट्स का नामकरण सिंबल बनाना हमने स्टार्ट किया ना तो हमने कुछ एलिमेंट्स का जो नाम था ना वो उस जगह के नाम पर रख दिया जहां पर वो पाए गए थे जैसे कॉपर 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 है कौपर, कौपर सबसे पहली बार सिप्रस नाम की जगह पर पाया गया था सिप्रस इसलिए कॉपर का जो सिंबल है वो सी यू है ठीक है और कुछ एलिमेंट्स उनके कलर के नाम पर रख दिए गए वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो ठीक है अब गोल्ड का मतलब क्या होता है गोल्ड का मतलब ही होता है येलो गोल्ड का मतलब क्या होता है गोल्ड का मतलब होता है येलो कलर सोना हमारा कौन से कलर का होता है येलो कलर का होता है और उसका सिंबल क्या होता है ए यू ठीक है समझ में आया अब देखो गोल्ड गोल्ड का मतलब येलो और येलो को इंग्लिश में से ही कुछ नाम है पूरा नहीं पता है लेकिन फॉर्म गोल्ड का जो सिंबल है लेकिन सारे एलिमेंट्स इस तरीके से सिंबलाइज नहीं किए जा सकते थे इसलिए आज के दिनों में हम आई नेम का यूज करते हैं आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट के सिंबल को अप्रूव करता है ठीक है तो आज जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो आई पी एस सी अप्रूव्ड है मेनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश तुम आज जितने ज्यादातर एलिमेंट्स देखोगे ना उनका जो सिंबल है वो उनके पहले या दूसरे लेटर से मिलकर बना है देखो हाइड्रोजन का देखो हाइड्रोजन एच एलूमियम का देखो ए एल ठीक है हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि जब कभी भी हम सिंबल्स को लिख रहे हो ना तो फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम का जो सिंबल है वो है एल है तो पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए आप ऐसे एल को नहीं लिख सकते दोनों कैपिटल नहीं लिख सकते हो आप जब कभी भी सिंबल लिख रहे हो ना तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए तभी आपका ये सिंबल कहलाएगा नहीं तो ये सिंबल नहीं कहलाएगा ठीक है तो जैसे हाइड्रोजन उसका पहला जो लेटर है एच

तो के के अपियरिंग या दूसरे अक्षर या उनके बीच में से लिया गया है जैसे क्लोरिन क्लोरीन का पहला लेटर है सी तो हमने ले लिया सी एल एल आता है ना यहाँ पर तो हमने ले लिया एल अब तुम पूछोगे भैया ओ आर आई एन ई -E, ये भी तो ले सकते थे ना ये क्यों नहीं लिया तो भाई नहीं लिया सी एल थोड़ा सा बोलने में आसान लग रहा है क्लोरीन, ठीक है है ऐसे ही जिंक, जिंक का Z, capital N, छोटा, तो आपको basically ये यहां पर बताया गया है कि भाई एलिमेंट के सिंबल्स किस आधार पर दिए गए थे ठीक है सबसे पहले तो जो एलिमेंट के सिंबल थे वो उनके पहले लेटर पे हुआ करते थे उसके बाद बीच में से भी लेटर बनाकर कुछ एलिमेंट के सिंबल्स दिए गए अदर टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन जर्मन और ग्रीक और और भी जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो उनका जो सिंबल है ना वो लैटिन नेम जर्मन नेम या ग्रीक नेम से लिया गया है जैसे आप आयरन बोलो आयरन का जो हमारा सिंबल होता है होता है एफ ई -E. अब आयरन तो आई से स्टार्ट होता है तो इसका सिंबल भी आई होना चाहिए था ना एफ ई -E क्यों है क्योंकि तो भाई लैटिन में हम आयरन को फेरम कहते हैं और फेरम का पहला दो अक्षर क्या है एफ ई -E. ऐसे ही ऐसे ही सोडियम को हम Na किस लिए कहते हैं क्योंकि उसका पूरा नाम जर्मन में नेट्रियम है ठीक है ऐसे ही पोटेशियम को हम K क्यों कहते हैं क्योंकि जर्मन में इसका नाम कैलियम है तो इसका हमने केवल एक ही लेटर लिया K ठीक है देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल तो भाई इन सब बकवास से हमें यह पता चला कि सभी एलिमेंट्स का क्या है अपना-अपना एक नाम है और अपना-अपना एक सिंबल है आप इन एलिमेंट के सिंबल्स को यहां से याद कर सकते हो आपको ये बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है कि ये एलिमेंट्स कैसे बनाए गए या इनका सिंबल कैसे बनाया गया सो दिस इज ऑल आप देख सकते हो यहां तक हमने अपना पूरा खत्म कर लिया है ठीक है और ये ब्रैकेट में आपको यही बताया गया है कि भाई जो जो नेम यहां पर दिख रहा है आपको एलिमेंट का नेम ना आपको जरूरी नहीं है कि आप सब एक ही बार में याद कर लो धीरे धीरे यूज करते करते आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर सेकंड पार्ट के साथ हम जल्द हाजिर होंगे आपके सामने तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर शेयर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए शास्त्रीय काल और जय